अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी ट्राई की जो फर्स्ट टाइम थी, लेकिन बहुत ही टेस्टी थी। और मैं हमेशा मेरी वही रेसिपी सेंड करती हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हो। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने रेसिपी स्टार्ट कर दी है और इसे मैं चिकन चीज़ पास्ता कहती हूँ। तो इसमें मैंने एक चम्मच भर के बटर और एक चम्मच मैंने मैदा लिया है, जिसे हम वाइट सॉस बनाएंगे। एक्चुअली मैं वाइट सॉस पहले भी बना के बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर जो मुझसे जुड़े हैं अभी अभी, या कोई और जो मेरी वीडियोस देखता है, तो मैं उसे फुल रेसिपी बताना चाहती थी, इसीलिए मैं वाइट सॉस की रेसिपी फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो वाइट सॉस मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सबके अलग अलग तरीके रहते हैं। तो मैदा और बटर थोड़ा सा हमें भूनना रहता है, ज़्यादा नहीं, बस एक मिनट के लिए, और अच्छे से मिलाकर इसमें मैंने एक ग्लास भरकर मैंने अंदाजन दूध डाल दिया है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें गुठलियाँ ना, मतलब गट्ठे ना बन जाए, इसलिए गैस बंद करके उसके बाद दूध डालते, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं डायरेक्ट दूध डाल देती हूँ और अच्छे से इसे हिला देती हूँ, उससे भी इसमें गट्ठे नहीं बनते हैं। और फिर इसमें दूध मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन एक ग्लास भरकर, और अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। और इसमें कुछ मसाले भी मैं ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऐड करूँगी। वाइट सॉस में ज़्यादातर सिर्फ काली मिर्ची का पाउडर, नमक और शुगर, शुगर सब नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें मैंने शुगर भी ऐड किया है, तो हाफ चम्मच शुगर, हाफ चम्मच नमक और तो हाफ चम्मच मैंने काली मिर्ची का पाउडर ऐड किया है, और मैंने मैगी मसाला ऐड किया है, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तो आप ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है, तो आप पिज़्ज़ा मसाला अगर अवेलेबल है तो वो आप ऐड कर दीजिए। तो सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से पकाया है, जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए तब तक। वाइट सॉस हमें गाढ़ा ही चाहिए, पतला नहीं होता है वो, बहुत जल्दी भी बन जाता है। और इसे हमें मैंने इसे पका के इसे साइड पर रख दिया था, क्योंकि इसका काम लास्ट में है, अभी सिर्फ मैंने इसे बना के रख दिया है। तो बहुत फटाफट हो गया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया है, चिकन मैंने नॉर्मल ली थी, जिसमें से मैंने क्यूब छोटे छोटे बना के उसके पीस ले लिए हैं, और तकरीबन ये 200 ग्राम जितनी होगी, और अंदाजन कह रही हूँ। और मैंने ऑयल लिया है 2 से 2.5 चम्मच जितना, जिसमें मैंने चिकन की क्यूब ऐड किया दिए है बोनलेस, और इसे हमें अच्छे से पकाना है। चिकन मेरी पूरी तरीके से कच्ची है, मैंने इसे बॉयल वॉयल कुछ भी नहीं किया है, अच्छे से धो के बस इसमें ऐड कर दिया है। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, और अब मैं कुछ मसाले भी ऐड करूँगी, जैसे कि मैं इसमें नमक, नमक और धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर मैंने तीखेपन के हिसाब से, अपने घर के तीखेपन के हिसाब से डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है सॉल्ट, ये एक्चुअली परफेक्ट था, ना फीका था ना बहुत ज़्यादा तीखा, परफेक्ट था, तो ये सही है नाप। लेकिन अगर आपको ज़्यादा और तीखा चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हो। तो मैंने सब मसाला ऐड कर दिया है, और हाँ, मैं थोड़ा चिकन मसाला भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। तो बस इसे अच्छे से हमें मिला देना है और इसे पकने देना है। तो इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, वो अपना जो पानी छोड़ता है ना, उसी से अच्छे से पक जाता है। तो बस अच्छे से इसे मैंने मिला कर, इसे मैं ढक कर पकने दूँगी। तो देखिए, मैं चिकन मसाला थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, तो 1/2 चम्मच से भी कम, लेकिन उससे टेस्ट बढ़िया हो जाता है। और इसमें भी मैं काली मिर्ची का पाउडर और जीरा पाउडर दोनों ही ऐड करूँगी, अंदाजन 1/2 चम्मच से भी 1/2। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम अब गैस की फ्लेम में अब स्लो करके इसे मैं पकने देंगे, अच्छे से हमें इसे पका लेना है। तो इसे मैं ढककर पकाऊंगी ताकि वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। लेकिन किसी वजह से आपकी चिकन नहीं पक रही है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पका लीजिए। तो पास्ता मैंने बॉईल पहले से करके रख लिए है, पास्ता में मैंने सिर्फ पानी बॉईल किया है, उसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे बॉईल पका लिया था 5 मिनट में।
तो अच्छे से आप पास्ता कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही पास्ता लेना है। तो देखिए वाइट सॉस भी हमारा रेडी है जो रूम टेम्परेचर पर हो गया है, और चिकन भी ऑलमोस्ट हमारी पक चुकी है। तो और थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे क्योंकि इसका जो पानी है जो दिख रहा है ना उसे अच्छे से हमें इसे ख़त्म कर देना है। और इसमें मैं टमाटो केचप भी ऐड कर रही हूँ अंदाजन 1 से 1.5 चम्मच जितना, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। केचप बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में, ख़ास करके जो पास्ता नूडल्स उसमें डालते हैं ना तो बहुत बढ़िया हो जाता है। और कुछ रेसिपी चिकन की ऐसी भी है जिसमें सॉस ऐड करते हैं तो उसकी रेसिपी का तड़का अलग ही हो जाता है। तो देखिए मैंने इसमें अब पास्ता भी ऐड कर दिया और अच्छे से हम सारे मिश्रण को मिक्स कर देंगे, और 2 मिनट के लिए ढक के भी मैं इसे पकाऊंगी। बस हमारा पास्ता रेडी है, मतलब ये पॉइंट पर रेडी है, आगे की प्रोसेस थोड़ी बाकी है। तो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो यही पास्ता अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो ये पॉइंट पर भी आप इसे सर्व कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज़ी पास्ता पसंद है, जिसे चीज़ पसंद है वो थोड़ा वेट और करिए। तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे ढककर 2 से 5 मिनट में इसे पकाऊंगी। तो बस ये प्रोसेस यहाँ तक ख़त्म, और आगे की बात करते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलना। मैं रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर खुश रहे, उनको भी कुछ नया बनाने का मौका मिले और मैं भी कुछ ना कुछ नया सीखती रहूँ। तो देखिए पास्ता मेरे पूरी तरीके से रेडी है और मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रहने दूँगी, मतलब कोई ज़रूरी नहीं ठंडा करना, लेकिन जब सर्व करना है ना हमें जो चीज़ी पास्ता, इसलिए मैं वेट करूँगी, इसलिए मैंने इसको रख दिया था। तो अभी खाने का टाइम हो गया था तो मैंने एक बाउल ले लिया है जो मैं मेरे ओवन में रख सकूँ, मेरा OTG है तो मैं ये बाउल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी है, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उसका भी मैं एक तरीका बताऊँगी। तो फ़िलहाल मैं ओवन के बारे में बात करूँगी, तो OTG के बारे में बात करूँगी। तो वाइट सॉस मैंने नीचे बाउल में लगा दिया है थोड़ा थोड़ा, और अब इसमें मैं पास्ता जो मैंने बनाया है ना वो सारे इसमें शिफ्ट, सारे नहीं आधे शिफ्ट करूँगी क्योंकि आधे मैं ऐसे ही उसे खाऊंगी और थोड़े से मैं मेरे हस्बैंड के लिए रात के लिए रखूंगी ताकि ऐसे ही मैं उनको सर्व कर सकूं, मतलब जैसे मैं अभी खाऊंगी बना के वैसे उनको रात को बना के दे सकूं। तो शाम का वक्त है, ऐसी सब शाम को खाओ या आप आफ्टरनून भी खा सकते हो, नाइट भी खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो, इसका कोई भी टाइमिंग नहीं होता है। बस ये बहुत ही टेस्टफुल है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, तो मैं इंशाल्लाह बनाती रहूँगी। तो मैं अपने व्यूवर्स को भी यही कहूँगी कि आप भी इंशाल्लाह बनाइए और आपको भी इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो वाइट सॉस मैंने पास्ता के ऊपर अच्छे से लगा दिया है, और उसके बाद मैं जो चीज़ मैं लूँगी, मेरे पास नॉर्मल चीज़ है तो वो क्रश करके भी इस पर डालूँगी। आप मोजरेला चीज़ भी ले सकते हो, कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हो। तो 160 डिग्री पर मैंने OTG में रखा था तकरीबन 10 मिनट के लिए, और इसे मैंने अच्छे से हीट कर लिया था। तो अगर आपके पास OTG ओवन कुछ भी नहीं है तो आप तवा लीजिए जिस पर थोड़ा एक स्टैंड रख दीजिए, और जो भी बाउल में आप बना रहे हो वो उस पर रख दीजिए और अच्छे से उसे कवर कर लीजिए ताकि वो हीटिंग अच्छे से उसको दे। तो वो आप 10 मिनट उसमें रखिए, इंशाल्लाह आपका भी पास्ता सेम डिटो ऐसा बन जाएगा जैसे कि हम हमेशा सब वीडियो में देखते हैं कि केक लोग ऐसे ही बनाते, तो जस्ट ये भी ऐसा ही है। बस हमें अच्छे से इसे हीट करना है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और अच्छे से वो पूरा मिश्रण एक दूसरे से कवर हो जाए, बस यही काम करता है OTG। तो बस देखिए मेरा रेसिपी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, और मैं आपको बता दूंगी कि आपने मेरा अगर शॉर्ट वीडियो देखा है तो देख ही लिया होगा कि मेरा कैसा बना है, और सच में वाकई में बहुत यम्मी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और दुआ में याद रखिए। अगर कुछ नया सीखने मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि आपको मुझसे कुछ नई चीज़ें सीखने मिली या फिर मुझे कुछ और नया ट्राई करना चाहिए। और वाकई में मैं अपनी रेसिपी दिल से शेयर करती हूँ कि लोग भी बनाएं और खुश हो और उनके परिवार को भी खुश करें। तो आई होप कि मेरी चीज़ें सबको काम आती है, मतलब मेरी रेसिपी काम आती है, और मैं जैसा बताती हूँ मैं सीरियसली कोई मिक्स करके नहीं बताती हूँ, जो मेरा बनता है मैं वैसे ही बताती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, और आप प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलना, और जितना हो सके शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर देना। और जो भी सब्सक्राइब करता है ना वो ऑल बटन जो होता है ना बेल आइकन, वो प्लीज़ दबा दीजिए, तब भी मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।